बड़ी खबर इस वक्त की। भोपाल संभाग के संभागीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिए निर्देश। पुलिस, नगर निगम और अन्य विभागों के साथ मिलकर जोनल प्लान बनाए। धार्मिक जुलूस निकालने के पहले आयोजकों से चर्चा करें। मुख्यमंत्री ने कहा, जेल में बंद कैदियों की श्रेणियों का निर्धारण कर ऐसे कैदी जो लंबे समय से बंद है या जिनकी अपील लंबे समय से लंबित है, उनके उचित निराकरण के लिए प्रयास करें। गंभीर अपराधों से बंद कैदियों को चिन्हित करें, उन पर कठोर कार्यवाही करें। पुलिस संभ्रांत लोगों से संपर्क करें, इससे समाज में सकारात्मक वातावरण बनाने में मदद मिलेगी। रेरा और नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारी संयुक्त बैठक करें और प्रधानमंत्री आवास योजना में बने मकानों का मामला निपटाएं। विकसित भारत संकल्प यात्रा से भोपाल संभाग में अभी तक 10 लाख लोग जुड़े हैं। मुख्यमंत्री ने बैठक में बताया कि 15 जनवरी से राजस्व प्रकरणों के निराकरण का अभियान चलेगा। देखिए, एक अच्छी पहल शुरू हुई है कि संभागीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों को बुलाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने डेवलपमेंट, विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी और जो वहाँ आवश्यक है सामाजिक संबंध और सरोकारों की दृष्टि से, इसके लिए संभावी की बैठक मुख्यमंत्री जी ने जो शुरू की है वो बहुत अच्छी बैठक है। काफ़ी उसमें एक तो अधिकारियों से सीधा संवाद होता है और जहाँ काम रुके हैं उनको मुख्यमंत्री जी के ध्यान में तत्काल आने के कारण उसमें कलेक्टर लेवल पर और संभाग आयुक्त के लेवल पर, और खासकर इस बार एक और अच्छी व्यवस्था ये की है कि एडिशनल PS को भी इस व्यवस्था को सुधार और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए लगाया है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे संभाग की जो बैठक हुई है कानून से संबंधित और डेवलप अधोसंरचना से संबंधित, वो बहुत महत्वपूर्ण रही और हम मुख्यमंत्री जी को, मोहन यादव जी को धन्यवाद। अधोसंरचना की जो बैठक हुई है उसमें भोपाल को लेकर कुछ हुआ है? देखिए, भोपाल में तो तमाम जो काम चल रहे हैं और जिन कामों में है तो मुख्यमंत्री जी ने उसकी समीक्षा की है। एक बार और स्पेशल भोपाल की ही बैठक बल्लभ भवन में खासकर मुख्यमंत्री जी ने BRTS और उसके संबंध में बुलाई है। मास्टर प्लान को कैसे करना है, आज भी उनने उसका थोड़ा सा उल्लेख किया है कि जोनल प्लान को हमने जब बोला है, और खासकर अब जैसे भोपाल में थाने हैं, कोई थाना कहीं तक चल रहा है और कोई थाने का कोई सीमा ही नहीं थी, तो थानों का जो सीमा क्षेत्र है उसका निर्धारण करा है। उन्होंने कहा जनप्रतिनिधि से बैठिए, भौगोलिक और क्षेत्रीय संतुलन उसमें बनाइए, इस पर भी आज मुख्यमंत्री जी ने खासकर दिशा निर्देश दिए। तो अपराध को किस तरह कंट्रोल किया जाए और अपराध को कैसे नेस्त नाबूद किया जाए और डेवलपमेंट और रोजगार को कैसे बढ़ाया जाए, ये आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण रही। देखिए, ये हमारी मध्यप्रदेश सरकार के गठन के बाद हमने निर्णय किया था कि हमारे हर संभाग में निर्माण कार्यों की और लाइन ऑर्डर की दोनों की बैठकें करें सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में। तो आज के इस अवसर पर माननीय विधायक, सांसद, मंत्री सभी लोगों के साथ संयुक्त बैठक की है और जो जो शासन की योजना चल रही है सारी योजनाओं के लिए जो कार्य योजना बनी है उसका ठीक से क्रियान्वयन हो जाए। और इनसे इस अवसर पर मुझे प्रसन्नता है कि बैठक में संतोषजनक वातावरण भी रहा और हर एक विधायक की, सांसद की, माननीय मंत्री की, सबकी ललक है कि वो काम ठीक से हो जाए। उम्मीद करेंगे कि इसका लाभ मिलेगा। विकेंद्रित व्यवस्था है जिसका लाभ नीचे मिलना चाहिए। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आग्रह किया है, खास करके चारों प्रकार की उनने अपनी प्रायोरिटी बताई है, तो महिला, किसान, युवा, गरीब सभी योजनाओं के साथ साथ अधोसंरचना का काम भी हो और रोजगार परक हमारा अपना प्रदेश का चेहरा बने, मैंने इसी पे ध्यान दिया। बहुत धन्यवाद।